वेलकम बैक टू अनदर वीडियो हैशटैग आस्क माधव के एपिसोड नंबर 25 में माधव सेठ जी ने ये कंफर्म किया है कि इंडिया में बहुत ही जल्द रियलमी नार्जो 35G लेकर आने वाले हैं और ये इंडिया का सबसे सस्ता 5G डिवाइस रहने वाला है। पिछले महीने रियलमी नार्जो 30 Pro 5G लॉन्च हुआ था जिसकी प्राइस 15,000 रुपए से ज्यादा थी, बट इस स्मार्टफोन की प्राइस 15,000 रुपए से कम रहेगी। अगर ऐसा दोस्तों होता है तो रियली में इंडियन मार्केट में तहलका मच जाएगा, बिकॉज बाकी सारी कंपनियों को भी सस्ते दाम में 5G स्मार्टफोन लाना होगा और इसका सबसे बड़ा फायदा हम जैसे कस्टमर्स को होगा। तो यहाँ पे आपको डायमेंसिटी 1000+ का चिपसेट देखने को मिल सकता है जो कि 5G होने वाला है। इसके अलावा इसकी क्या एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन होगी, इसकी प्राइस क्या होगी, लॉन्च क्या होगी, अभी सारी डिटेल्स तो सामने निकल कर नहीं आई है, बट मैं एक एक्सपेक्टेड डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल पे नए हो या आवाज पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना फॉर फ्यूचर सब नोटिफिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे दोस्तों माधव सेठ जी ने ये कंफर्मेशन दी है कि रियलमी नार्जो 35G एंड 34G दो डिवाइस लेकर आएंगे। इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, बस ये डेवलपमेंट फेज के अंडर में है। दोस्तों सबसे पहले बात करें प्रोसेसर को लेके, तो नार्जो 30 प्रो 5G में जो प्रोसेसर देखने को मिला था सेम प्रोसेसर इसमें भी देखने को मिल सकता है, डायमेंसिटी 800U, या फिर अगर कंपनी थोड़ा सा और आगे जाना चाहे तो डायमेंसिटी 1000+ भी लगा सकती है। बट उससे होगा ये कि बाकी सारे स्पेसिफिकेशन में थोड़ी कॉस्ट कटिंग करनी होगी कंपनी को। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके कैमरा की तरफ। तो रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा जिसका प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का रहने वाला है अपर्चर 1.7 के साथ। इसके अलावा इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का सपोर्ट रहेगा जो 119 डिग्री पर कैप्चर करने में कैपेबल रहेंगे रॉ इमेजेस। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं बात कर लें इसके फ्रंट साइड की, तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा टॉप राइट कॉर्नर में नॉच में देखने को मिल जाएगा फॉर पोर्ट्रेट सेल्फीज एंड वीडियो चैट। दोस्तों बात करूं डिस्प्ले डिजाइन को लेके, तो ग्लॉसी ग्रेडियंट बैक फिनिश देखने को मिल जाएगा विथ स्क्वायर शेप कैमरा मॉड्यूल सपोर्टेड बाई 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा। और फ्रंट साइड की बात करूं तो 6.5 इंच का IPS LCD पैनल 1080x2400 पिक्सल के डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 20:9 अप्रोक्स रह सकती है और टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक पंच होल कटआउट देखने को मिल जाएगा जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बेजल्स हैं वो थोड़े ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आप 15,000 से कम में कुछ 5G चिपसेट एक्सपेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वही दोस्तों बात कर लें इसके बैटरी सेक्शन को लेके, तो मिनिमम 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिलेगी जहाँ पे 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता है इस स्मार्टफोन में। साथ ही में दोस्तों इसके एंड्रॉइड फीचर्स एंड रैम वेरिएंट की बात करें तो 2 मेजर रैम वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, 464GB एंड 6128GB, और एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस होगा जो कि आने वाला है रियलमी UI 2.0 के सपोर्ट के साथ जो कि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे अदर फीचर्स में बात कर लूं तो टाइप सी पोर्ट, 3.5mm जैक एंड नॉइस कैंसिलेशन माइक का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनली दोस्तों आते हैं इसके प्राइस एंड लॉन्च डेट को लेके, तो माधव सेठ जी ने कंफर्म किया कि इसकी प्राइस 15,000 से कम ही रहने वाली है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि 14,000 तक आपको देखने को मिल जाएगा 464GB वाला वेरिएंट और 15,000 तक आपको देखने को मिल जाएगा 6128GB वाला वेरिएंट। और वहीं इसके लॉन्च डेट की बात करें तो जैसा कि बताया गया है कि ये अभी डेवलपमेंट फेज में है तो अभी इसके लॉन्च की कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट डेफिनेटली Q3 यानी कि मई 2021 के पहले ये स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा लाइक का टारगेट आज का रखते हैं कम से कम 200, जो आप आसानी के साथ पूरा कर दोगे। मिलता हूँ ऐसे ही तगड़े और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ लवली डे एंड स्टे सेफ।